आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में मैं एमएस एक्सेस डेटाबेस पे डिस्कस कर रहा हूँ और एमएस एक्सेस डेटाबेस में हम आपसे के साथ बात कर रहे हैं फॉर्म की। इससे पहली क्लासेस में हमने टेबल के ऊपर डिस्कस कर लिया था, हमने बताया था कि किस तरह से टेबल को हम क्रिएट करते हैं, टेबल के फील्ड्स को डिफाइन करते हैं, फील्ड्स में कैलकुलेशन लगाते हैं, ड्रॉप डाउन लगाते हैं, ये सब चीजें हमने लास्ट क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। और आज हम बात कर रहे हैं फॉर्म। अब सबसे पहले जानते हैं कि फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ती है, इस बात को पहले हम जान लेते हैं कि फॉर्म की जरूरत, गुड मॉर्निंग, जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे आपके सामने डेटा टेबल बना दिया मैंने, इसमें मैं डेटा एंट्री करना है तो मैं इस तरह से डेटा एंट्री करूंगा कि पूजा इसका परचेज डेट मैंने डाल दिया, ए मोबाइल नंबर अपन डाल देते हैं इस तरह से, सिटी का नाम मैंने दिल्ली डाल दिया, एमआरपी 25 दे दिया, क्वांटिटी 36, और यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से डेटा एंट्री हम इस तरह से कर सकते हैं जैसे कि हम एक्सेल में करते हैं, लेकिन डेटा एंट्री करने का ये सही तरीका नहीं है। डेटा एंट्री हमें करना होता है फॉर्म के जरिए, मतलब कि हम डेटा एंट्री करने के लिए एक अलग इंटरफेस बनाना चाहेंगे। तो चलिए आज से हम उसी इंटरफेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फॉर्म दो तीन तरह के फॉर्म है, वो सारे फॉर्म के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। हम जाते हैं क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद हम यहाँ आपके सामने एक फॉर्म है, डिजाइन फॉर्म है, ब्लैंक फॉर्म है, फॉर्म विजार्ड है, नेविगेशन है, एंड मोर फॉर्म्स है, मल्टीपल डेटा शीट, कई सारे के तरह के फॉर्म होते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक कर दिया फॉर्म, तो ये आपका जो टेबल सिलेक्टेड होगा उस टेबल का वो एक 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 स्टैंडर्ड डिजाइन में आपका ये फॉर्म तैयार कर देगा। ठीक है, यहाँ डेटा है तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेटा एंट्री फॉर्म, हेडिंग आप दे सकते हैं, यहाँ पे लोगो आप चेंज कर सकते हैं, और भी कुछ चीजें हैं ऊपर आपके साथ टूल्स में है, इमेज वगैरह कुछ डालना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसके बारे में हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मैं इसको क्लिक क्लोज करता हूँ, यस, क्योंकि ये डिजाइन मोड में है। देखिए हर एक यहाँ पे एक्सेस में, चाहे टेबल हो, फॉर्म हो, क्यूरी हो, उसके दो व्यू होता है, डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में उसकी आर्किटेक्चर को आप चेंज करते हैं, और डेटा शीट व्यू में उसके अंदर आप डेटा एंट्री या फिर उसका यूज करते हैं। तो डिजाइन हम सेव करके इसको डिजाइन मोड से बाहर आते हैं, और हमने इसका नाम फॉर्म दे दिया। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म का आइकन भी अलग है, टेबल का आइकन अलग है। अब मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, सबसे पहले इसके अंदर जो भी फॉर्म है मुझे यहाँ दिख रहे हैं, और यहाँ आपके साथ नेविगेशन है, आप टैब से भी इसके अंदर मूव कर सकते हैं। देखिए ये नया एंट्री हो गया। अब मैं यहाँ पे एक नया एंट्री करता हूँ, उदय, डेट, मैं देखिए यहाँ पे सिलेक्ट किया डेट, सिलेंडर आ गया, मोबाइल नंबर, सिटी, अमाउंट, जैसे टाइम मारूंगा ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट क्यों हो गया, क्योंकि हमने कैलकुलेशन कर रखा है इस फील्ड में, तो डेटा एंट्री हो गई। उसके बाद आप एक टैब मार दें, या फिर यहाँ आपको दिख रहा होगा न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड, उस पर क्लिक कर दें तो आपकी अगली ब्लैंक कॉलम आ जाएगी, और इसमें आप अपना अगला डेटा इनपुट कर सकते हैं। तो इसमें जो भी डेटा इनपुट करेंगे वो आपके टेबल में एंट्री एक के नीचे एंट्री होती चली जाएगी। रजनीकांत जी, इसी चीज को हम लोग एक्सेल में करने के लिए कितनी लंबी कोडिंग करते हैं। सही बात है सर, सही बात। पूरा बॉक्स बनाना, इनपुट बॉक्स, ये वो, पूरा क्या क्या करते हैं। तो आपको जस्ट फॉर्म को सिलेक्ट बनाना कैसे है, फॉर्म को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे यहाँ टेबल को सिलेक्ट करना है, फॉर्म पे क्रिएट कर देना है, आपका फॉर्म बन जाएगा। लेकिन इसमें नेविगेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। नेविगेशन में दिक्कत क्या होता है, देखिए यहाँ दिख रहा है आपको सर कि नेविगेशन में दिक्कत ये होता है कि अब जैसे कि हर किसी को हमें फॉर्म की डेटा एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे मैं इसको ओपन करूं तो फिर ये आपका डेटा यहाँ पे आना पड़ेगा। दूसरा चीज है कि ये एक तरह से इसका ये दिख रहा है, मतलब कि इसके साथ अटैच दिख रहा है, वो हम लोग जैसे यूजर फॉर्म एक्सेल में ओपन करते हैं जो पॉपअप की तरह आता है, वो पॉपअप की तरह नहीं आ रहा है क्या सर?
तो ये सब चीजें हो सकता है इसकी फॉर्म की प्रॉपर्टीज में जाने के बाद, इसका फॉर्म का प्रॉपर्टीज होता है उसको चेंज करेंगे तो वहां पे इसके सारे चीजें आपको दिख जाएगी चेंज, जो कि हम आगे क्लासेस में आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इस पे जैसे राइट क्लिक किया और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि लेआउट, डिजाइन, एक्सपोर्ट, ये सब चीजें दिख रहा होगा। अब फॉर्म को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो आप, कट कॉपी, व्यू प्रॉपर्टीज में जाके इसके प्रॉपर्टीज के बारे में कब क्रिएटेड है, हिडन करना है नहीं करना है वगैरह वगैरह आप इसको यूज कर सकते हो। और जैसे आप फॉर्म पे आएंगे तो फॉर्म के अंदर कुछ भी चेंजिंग करना होता है तो उसको डिजाइन मोड में जाना पड़ेगा आपको, तब जाके उस फॉर्म के अंदर आप किसी भी तरह का चेंज कर सकते हैं। और यहाँ प्रॉपर्टीज में आप फॉर्म की प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे आप वीवीए के यूजर फॉर्म में देखते थे वो सारी चीज यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे दिख रहा है पॉपअप नो, दिख रहा है आपको सर? अब इस पॉपअप को यस कर देता हूँ मैं, अब इसको सेव कीजिए। अब जैसे मैं इस फॉर्म को खोलूंगा ये पॉपअप में आएगा। ओके आ गया सर। उसी तरह से आप फाइल, जैसे आपका जो डेटाबेस है इसकी ऑप्शन पे चले जाओ तो करेंट डेटाबेस पे आएंगे, एप्लीकेशन थाउट एप्लीकेशन का आइकन वगैरह से होता है डिस्प्ले फॉर्म, नन दिख रहा है ना, उसको आप फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। हम के जो फॉर्म है वो इसका लिस्ट आ जाता है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ, इस डेटाबेस को क्लोज किया। अब मैं एक्सेस डेटाबेस को दोबारा ओपन करता हूँ। और मैं यहाँ पे डेटाबेस वन को ओपन किया। क्या कुछ सर? क्या दिखा? खुलते ही फॉर्म पॉपअप हो गया। हाँ, तो अगर आप इस तरह से भी चीजें कर सकते हो कि आपकी फाइल ओपन हो तो आपका फॉर्म ओपन हो, बाकी सब चीजें को आप हाइड कर दे, एक ही फॉर्म की जगह नेविगेट करना चाहते हैं ना, तो उसका यूज कर सकते हैं, राइट सर। और आप इसको अगर फुल जूम स्क्रीन पे कर दें तो आपको बाकी चीज नहीं, कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ अपना आपका फॉर्म ही दिखेगा। अब फॉर्म में प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं यहाँ से एक एक चीज यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ से देख सकता हूँ, यहाँ पे इसके जो देख लीजिए रिकॉर्ड्स के बारे में जो दिया हुआ है उसके बारे में देख लीजिए। ये आपका होता है फर्स्ट रिकॉर्ड, ये आपका प्रीवियस रिकॉर्ड, ये आपका नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। और जितना रिकॉर्ड जितने भी डेटा इसमें रो नंबर एंट्री होता है वो यहाँ पे दिखाता है वन ऑफ टू, क्योंकि इस डेटा में दो ही रो एंट्री है इसलिए वन ऑफ टू दिखा रहा है। नेक्स्ट रिकॉर्ड ये आपका लास्ट रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और ये आपका होता है ब्लैंक। अगर आप नई एंट्री करना चाहते हो तो क्लिक करें और नई एंट्री से मैं एक और एंट्री कर देता हूँ योगेश, और यहाँ पे मैं अपना डेट देता हूँ, ठीक है। अब देखिए तीन ऑफ थ्री हो गया ना, थ्री ऑफ थ्री, तो ये आपका रिजल्ट जो है आपका, ये आपका नेक्स्ट रिकॉर्ड होता है, ये आपका लास्ट रिकॉर्ड। या अभी यहाँ पे ये जो होता है हमारा एक होता है सर्च, जैसे मुझे सर्च करना है तो मैं यहाँ पे पूजा लिखूंगा तो देखिए पूजा वाले रिकॉर्ड पे चला आया। अब यहाँ पे एक फिल्टर में नो फिल्टर दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर डेटा तो इस पे होता है, फिल्टर तो डेटा पे होता है, लेकिन आपको मैं कई सारे फॉर्म के टाइप दिखाया था ना सर, उस टाइप में एक हमारा डेटा सीट टाइप का ही फॉर्म होता है, यहाँ आप देखेंगे क्रिएट में मोर फॉर्म में मल्टी आइटम्स डेटा सीट फॉर्म, तो उससे में फिल्टर वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं लिस्ट बॉक्स टाइप का। अब बात करते हैं फॉर्म के ऊपर इंटरफेस अपने हिसाब से बनाने का। जैसे कि अभी जो हम फॉर्म ओपन करते हैं तो फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ इससे हमें इंटरफेस लेना चाहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने खुद के बटन्स बनाऊं और वो हमारा कनेक्टेड हो मेरे फॉर्म से। तो डिजाइन में हम जाते हैं और यहाँ आप इसको नीचे की तरफ कर दें, ठीक है, ताकि आपका यहाँ बटन्स एंट्री करें। अब यहाँ पे आप अपने बटन्स, यहाँ पे आपके बटन्स होते हैं, ठीक है ना,
लेकिन ये कब आएगा, डिजाइन मोड में ओपन करने पे। इस पे क्लिक कीजिए और जैसे आप ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करते ही आपका यहाँ पे ये जाएगा कमांड विजार्ड, कमांड बटन विजार्ड आपको यहाँ दिख जाएगा। क्लियर सर? अब आपको यहाँ पे बताना है कि इस बटन पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए। इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे रिकॉर्ड नेविगेशन, रिकॉर्ड ऑपरेटर, फॉर्म ऑपरेटर, रिपोर्ट ऑपरेटर, एप्लीकेशंस एंड मिसलेनियस। तो चलिए एक एक करके मैं समझाता हूँ। अगर हम रिकॉर्ड नेविगेशन पे जाते हैं तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड को करेगा, ये आपका रिकॉर्ड को फाइंड करने का काम करेगा, जो हमने सर्च किया था ना वो सर्च बटन बना देगा। ये आपका गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड एंड गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड हो जाएगा, जो कि नीचे हम बटन से करते थे उसके जगह पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। रिकॉर्ड ऑपरेशंस में आते हैं तो ये होता है ऐड न्यू रिकॉर्ड्स, न्यू रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए, कोई रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए, रिकॉर्ड को प्रिंट करने के लिए, सेव करने के लिए और ये अनलॉक करने के लिए। ये सब चीज तो पता ही होगा आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सर? फॉर्म ऑपरेशंस में होता है कि हम फिल्टर अप्लाई करने के लिए यूज करेंगे, फॉर्म को क्लोज, अनदर फॉर्म ओपन करने के लिए, फॉर्म को प्रिंट करने के लिए और प्रिंट करेंट फॉर्म। जैसे मान से तीन चार फॉर्म ओपन है तो आप जो एक्टिव है उसको प्रिंट करना चाहते हो। और प्रिंट फॉर्म में क्या होता है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्म प्रिंट करना है। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो कि प्रिंट फॉर्म मतलब या ओपन फॉर्म मतलब कि आप कौन सा फॉर्म ओपन करना चाहते हो, चूज कर सकते हैं आप। और प्रिंट करेंट फॉर्म जिसपे बटन रहेगा उसको करेगा। और रिफ्रेश फॉर्म डेटा, अगर आपका फॉर्म कनेक्टेड है कहीं और किसी और से तो होता है जैसे पिवट टेबल में रिफ्रेश वगैरह करते हैं, उसी तरह का रिफ्रेश करना है तो यूज कर सकते हैं। अब रिपोर्ट जनरेशन में आता है। अब जैसे कि ये बटन जो है, हम मान लीजिए कनेक्टेड है किसी रिपोर्ट से। हमने बताया था आपको शुरुआत में कि हम एक्सेस में चार चीजें यूज करते हैं, डेटा, फॉर्म, क्यूरी एंड रिपोर्ट। तो किसी रिपोर्ट्स को मेल करना है, किसी रिपोर्ट्स को ओपन करना है या प्रीव्यू करना है या प्रिंट करना है या फिर सेम रिपोर्ट किसी अनदर फाइल में एक्सपोर्ट करना है तो इसका यूज करेंगे। एप्लीकेशन, मान लीजिए मुझे इस एक्सेस को क्यूट करना है, क्लोज करना है, तो अगर मैं इसको अप्लाई करके नेक्स्ट कर दूंगा तो इस पर क्लिक करते हैं एक्सेस को बंद कर देगा। मिसलेनियस में ऑटो डायलर तो पहले यूज होता था, जैसे कि ऑटो डायलर क्या होता है कि सिस्टम से कॉलिंग होते हैं ना, जैसे कॉल सेंटर वगैरह में वो था। प्रिंट टेबल, किसी टेबल को प्रिंट करना या किसी मैक्रो को रन करना या किसी क्यूरी को रन करना। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ऐड न्यू रिकॉर्ड पे करता हूँ सिलेक्ट, ऐड न्यू रिकॉर्ड ऐड किया। अब इसमें दो चीजें हैं कि आप इस तरह से आपके यहाँ पे जो है पिक्चर इस तरह से बना हुआ चाहिए या फिर आप कुछ लिखना चाहते हैं कि हाँ बटन पे कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड न्यू डेटा, ठीक है, फिर नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यहाँ पे ऐड न्यू डेटा और इसको उठा के अपने जहां पे जिस प्रोजेक्ट पे रखना चाहते हैं उस जगह पे रख सकते हैं, ठीक है। और फिर एक और बटन मैं यहाँ पे बनाता हूँ जो कि डिलीट रिकॉर्ड्स के लिए होगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड ऑपरेशंस में हमने डिलीट रिकॉर्ड कर दिया, नेक्स्ट। डिलीट में इस तरह का आइकन चाहिए, मैं इस पर आइकन ही छोड़ देता हूँ ताकि दोनों में आप देख लेंगे किस तरह से अच्छा कौन अच्छा होता है। तो ये आइकन हो, तो आइकन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से और भी चीजें आप यहाँ पे कर सकते थे, फिलहाल मैं इतना ही कर रहा हूँ। अब मैं फॉर्म ओपन करूंगा, तो ओपन करते ही फॉर्म में आया। अब मुझे नया रिकॉर्ड ऐड करना है, हमने नया रिकॉर्ड पे गए और अपना रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं उधर। ये लाइव देखिए ये क्या होता है, याद रखिएगा कि ये पूरा लाइव एंट्री होती है। लाइव एंट्री में समझे क्या? नहीं समझ, लाइव एंट्री में तो बताता हूँ सर। अभी जो टाइप कर रहा हूँ ना मैं, एक टेबल पे टाइप होते जा रहा है सर, हमें जैसे सबमिट या कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, तुरंत के तुरंत एंट्री होती जा रही है। हाँ ओके, ठीक है, तो तुरंत के तुरंत एंट्री होती जाएगी, लाइव होता है हमारा। देखिए
दोबारा हाँ ठीक है सर, तो तुरंत के तुरंत लाइव एंट्री होती रहती है। मैं ये टेबल को ही रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। और डिलीट रिकॉर्ड करना है तो आप, अब डिलीट रिकॉर्ड करना है तो कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो आप एक एक करके आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं। तो सर्च के लिए भी मैं सोचता हूँ बटन बना लूँ, तो मैं फॉर्म पे जाता हूँ, राइट क्लिक, यहाँ पे डिजाइन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ बटन भी लेता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे फाइंड रिकॉर्ड, ये आइकन ही रख दीजिए। अब आप बोलेगा सर फाइंड कैसे करेगा, ये इसमें हमें कुछ लिखा ही नहीं तो फाइंड कैसे करेगा, तो यह फाइंड इस तरह से करेगा, एक कंट्रोल एफ जो होता है ना वो कंट्रोल एफ आपको दे देगा। ओके ठीक है ना, कि आप यहाँ इस पे क्लिक करें, ये आईडी का अकॉर्डिंग फाइंड कर रहा है, ये आपको दे दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे पूजा लिखना है, पूजा फाइंड नेक्स्ट आ गया पूजा पे। अब मुझे इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो डिलीट, यस आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया। आप पूजा वाला रिकॉर्ड है ही नहीं इसमें, ये आपका 2 से स्टार्ट है, 1 रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ठीक है, समझ गया? यस सर। तो टेबल पे इस तरह से हम बटन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप फॉर्म बनाते हैं। अब एक बात और आती है कि मैं अपना फॉर्म तो बनाना चाहता हूं लेकिन फॉर्म में मैं सारे को कि जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर्सर रखा और क्रिएट फॉर्म कर दिया, तो इसने क्या किया कि इसके सारे फील्ड में दे दिए। तो मैं इसमें से किस कई सारे फील्ड को हटा भी सकता हूँ जिसकी एंट्री मुझे नहीं करनी है। जैसे मुझे आईडी नहीं, आईडी और बाय डिफॉल्ट नहीं चाहिए, मुझे अमाउंट नहीं चाहिए बाय डिफॉल्ट, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, पहली चीज। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करूं। अब यहां पे देखिए आईडी नहीं है, अमाउंट नहीं है, आप एंट्री कर, लेकिन उस सारा कैलकुलेटेड है तो एंट्री होने पे कैलकुलेट तो ही जाएगा। लेकिन बात यहां पे आती है कि मैं ये सब जो फॉर्म का डिजाइन सबका सेम है, मैं चाहता हूं मैं अपने डिजाइन हिसाब से फॉर्म को क्रिएट करना। ठीक है, तो हमें डेटा पे नहीं तो हमें डिजाइन फॉर्म पे जाना होगा। ठीक है, डिजाइन फॉर्म पे आपको ब्लैंक, जैसे यूजर फॉर्म का ब्लैंक मिलता था उस तरह से ब्लैंक मिल गया। अब यहां से चीजें ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहां से चीजें ड्रॉ कर रहे हो तो फॉर्म में एंट्री करने के लिए फिर आपको क्यूरी या कोडिंग करनी पड़ेगी, जो कि हम नहीं करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप क्यूरी से बचना चाहते हैं तो यहाँ पे एड एग्जिस्टिंग फील्ड आपको दिख रहा है, शो टेबल डेटा। अब यहां से आप उठा उठा के रखते चले, जो फील्ड आपको जरूरत है उस फील्ड को आप यहां उठा कर दीजिए, जहां रखना है जिस फॉर्मेट में रखना है आप उस फॉर्मेट में रख दीजिए, आपका उसी फॉर्मेट में बनेगा और आपके टेबल पे डेटा एंट्री भी होगी। ऐसा नहीं कि डेटा एंट्री नहीं होगा, डेटा एंट्री होगी, समझ गए? क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो फॉर्म। तो ये तभी समझ में आएगा जब इसकी फॉर्म आप बनाएंगे। तो रजनीकांत जी, फॉर्म में और भी बहुत सारे फॉर्म हैं, तो उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका फॉर्म विजार्ड है, नेविगेशन है, ये सब चीजों पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप कुछ फॉर्म बना के देखिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा जिसमें आप एक ही फॉर्म से दो टेबल का डेटा ले सके या दो टेबल पे डेटा भेज सके। ओके सर, ठीक है, इसको कीजिए सर। ओके।